जमातों के खिलाफ चलाई जा रही पुलिस की मुहिम को एक बड़ी सफलता मिली। फतेहगढ़ थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक शिफ्ट गाड़ी जो कि शिवपुरी की तरफ से आ रही है, जिसके चालक के पास मादक पदार्थ है, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर बताए गए स्थान पर पहुंचे। वहीं कुछ देर बाद मुखबिर के बताई गई गाड़ी एवं स्थान पर पहुंचने पर आरोपी की घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। वहीं आरोपी से सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि गाड़ी किराए की लेकर आया है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी को आज मीडिया के सामने भी पेश किया गया। ये थाना फतेहगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हुए हैं। इसमें दिनांक 22/2/15 को एक सूचना मिली थी थाना प्रभारी को कि एक व्यक्ति स्मैक लेके थाना फतेहगढ़ क्षेत्र में बेचने के लिए आ रहा है, तो उसकी निगरानी थाना प्रभारी और उसकी टीम द्वारा की गई। उसमें एक व्यक्ति को सस्पेक्टेड स्थिति में पाया गया, उसकी नाम पता और तलाशी ली गई, तो प्रहलाद पिता रामदयाल शर्मा निवासी कृष्णपुरम कॉलोनी शिवपुरी के रहने वाले हैं और उनके पास सफ़ेद गाड़ी थी, फोर व्हीलर, तो उसकी तलाशी ली गई, उसमें 20 ग्राम स्मैक उससे जब्त की गई है। और चूंकि अपराध एनडीपीएस एक्ट का पाया गया, उसमें इसको हिरासत में लिया गया और पूछताछ करके उसके अपराध दर्ज किया गया है। इसी तरह दूसरा जो अपराध है, आज दिनांक को ही एक सूचना मिली थी थाना प्रभारी को कि इसमें एक आज भी बेचने के लिए एक व्यक्ति आ रहा है, तो उसकी मगरोड़ा रोड गौशाला के पास तस्दीक की गई। उसमें नाम पता पूछा गया तो रोशन पिता केदारीलाल बंसल निवासी शिवपुरी का रहने वाला है, उसके कब्जे से 25 ग्राम स्मैक जब्त की गई। इस तरह थाना प्रभारी फतेहगढ़ बुंदेला द्वारा दो मामलों में स्मैक की कार्रवाई की गई है और करीबन 4.5 लाख रुपए की कीमत स्मैक है वो जब्त की गई है।